नमस्कार। नेटवर्क की समस्या के कारण बीच में रोकना पड़ा, पुनः प्रारंभ हो रहा है। सेयम श्रुति लिंगादिभ्यः प्रबला, यह जो श्रुति प्रमाण है यह आगे आने वाले लिंगादि समस्त प्रमाणों से प्रबल है, क्योंकि लिंगादिषु न प्रत्यक्षो विनियोजक शब्दः अस्ति किंतु कल्प्यः। लिंगादि प्रमाणों में अर्थात आगे के समस्त प्रमाणों में प्रत्यक्ष विनियोजक विनियोग कराने वाला कोई प्रत्यक्ष शब्द नहीं है, अपितु कल्प्य है, कल्पित होता है। लिंगादि प्रमाणों में प्रत्यक्ष विनियोजक शब्द नहीं है, अर्थात जैसे विभक्ति रूपा श्रुति में अथवा एकाभिधान श्रुति में अथवा एक पद रूपा श्रुति में प्रत्यक्ष विनियोजक शब्द है। यस्य च शब्दस्य श्रवणादेव संबद्ध प्रतीयते, ऐसा बताया था। वह जो शब्द है उस प्रकार का प्रत्यक्ष विनियोजक शब्द लिंगादि प्रमाणों में नहीं है, वहाँ पर विनियोजक शब्द की कल्पना करनी पड़ती है, अर्थात श्रुति की कल्पना करनी पड़ती है लिंगादि अन्य प्रमाणों में, जबकि श्रुति में प्रत्यक्ष विनियोजक शब्द है, इसलिए श्रुति प्रमाण प्रबल है, अन्य प्रमाण उसकी अपेक्षा दुर्बल हैं। इसीलिए बताया लिंगादिषु न प्रत्यक्षो विनियोजक शब्दोस्ति किंतु कल्प्य हो, और यावच्च तैः विनियोजक शब्द कल्प्यते। यावच्च जब तक उन प्रमाणों के द्वारा, लिंगादि प्रमाणों के द्वारा विनियोजक शब्द की कल्पना की जाती है, तब तक प्रतावत प्रत्यक्षया श्रुत्या विनियोगस्य कृतत्वेन तेषां कल्पकत्व शक्तेर व्याहतत्वात्। जब तक उन लिंगादि प्रमाणों के द्वारा विनियोजक शब्द की कल्पना होती है, तब तक प्रत्यक्ष श्रुति के द्वारा विनियोग कर दिया जाता है। प्रत्यक्ष श्रुत्या विनियोगस्य कृतत्वात्, प्रत्यक्षया श्रुत्या विनियोगस्य कृतत्वात् विनियोग कर दिया जाता है, इसलिए तेषाम अर्थात लिंगादीनाम कल्पकत्व शक्तेर व्याहतत्वात्। तो उनकी जो कल्पना शक्ति है, उनके द्वारा जो श्रुति की कल्पना की जा रही है, उस कल्पकत्व शक्ति का व्याघात हो जाता है, वह कल्पकत्व शक्ति अवरुद्ध हो जाती है। अर्थात लिंगादि प्रमाणों के द्वारा श्रुति कल्पित हो रही है, और यदि प्रत्यक्ष श्रुति दिख गई तो प्रत्यक्ष श्रुति और कल्पित श्रुति में प्रत्यक्ष श्रुति बलवती है कल्पित श्रुति की अपेक्षा। इसलिए लिंगादि प्रमाणों द्वारा जब तक श्रुति की कल्पना होगी, तब तक यदि प्रत्यक्ष श्रुति उपलब्ध हो गई तो उस प्रत्यक्ष श्रुति के द्वारा प्रमाणों द्वारा कल्पित होने वाली श्रुति का व्याघात हो जाता है, अर्थात वह व्याहत हो जाती है, वह अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है। उसकी लिंगादि प्रमाणों द्वारा होने वाली कल्पकत्व शक्ति रुक जाने से प्रत्यक्ष श्रुति द्वारा विनियोग हो जाता है। इसका उदाहरण देते हैं, अतएव ऐन्द्रियालिंगात न इंद्रोपस्थानार्थत्वम्, किंतु ऐन्द्रियागार्हपत्यम उपतिष्ठते इत्यत्र गार्हपत्यम इति द्वितीया श्रुत्या गार्हपत्योपस्थानार्थत्वम्। इसीलिए ऐन्द्रियालिंगात न इंद्रोपस्थानार्थत्वम्। एक मंत्र आता है, कदाचनस्तरीरसी नेन्द्र सश्चसी दाशुषे। इस मंत्र में इंद्र यह शब्द आता है। इंद्र शब्द आने के कारण यहाँ शब्द सामर्थ्यम लिंगम आगे वक्ष्यमाण है लिंग प्रमाण, जिसमें बताया जाएगा कि शब्द में रहने वाला जो सामर्थ्य है, अर्थात जो शक्ति है अभिधा शक्ति, वही लिंग प्रमाण है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इंद्र पद में रहने वाली जो शक्ति है, उस शक्ति से अभिधा शक्ति, उससे यह ज्ञात होता है कि यह मंत्र इंद्र पद होने से इंद्र के किसी कर्म का अंग है, इंद्र संबंधी कोई कर्म, उसका यह मंत्र अंग होना चाहिए। वह कर्म प्रसंग में इंद्रोपस्थान है, इंद्र का उपस्थान, इंद्र का पूजन, तो इंद्र के उपस्थान का यह मंत्र अंग बनता है, ऐसा लिंग प्रमाण से ज्ञात होता है। लेकिन जब तक लिंग प्रमाण इंद्र इस पद में निष्ठ सामर्थ्य के द्वारा श्रुति की कल्पना करता है, तभी तक ऐन्द्रियागार्हपत्यम उपतिष्ठते ऐसा एक प्रत्यक्ष श्रुति वाक्य दिखाई पड़ता है,
जो कहता है कि ऐन्द्रिया ऋचा, अर्थात यह जो ऐन्द्रिय ऋचा है, इस ऋचा के द्वारा ऐन्द्रिया ऋचा अथवा ऐन्द्रिया ऋक् मंत्रेण गार्हपत्यम उपतिष्ठते, गार्हपत्य अग्नि का उपस्थान करे। तीन अग्नियों में जो गार्हपत्य अग्नि है उसका उपस्थान इस ऋचा के द्वारा करे। तो इस प्रकार प्रत्यक्ष श्रुति यह बताती है कि इस ऋचा द्वारा गार्हपत्य अग्नि का उपस्थान करे, और कल्पित श्रुति यह कहती है कि इंद्र का उपस्थान करे। ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष श्रुति प्रबल है, इसलिए प्रत्यक्ष श्रुति के द्वारा गार्हपत्य अग्नि का उपस्थान होगा। गार्हपत्य यहाँ द्वितीय श्रुति है, द्वितीय विभक्ति होने से गार्हपत्य यह अंगी है और ऐन्द्रिया यहाँ तृतीया है, तो ऐन्द्रिय जो ऋचा है वह अंग हुआ। इसीलिए कहते हैं अतएव ऐन्द्रियालिंगात, अर्थात ऐन्द्रिय ऋचा में जो लिंग प्रमाण है उस लिंग प्रमाण से ऐन्द्रिया लिंगात न इंद्रोपस्थानार्थत्वम, ऐन्द्रिया अर्थात ऐन्द्रिय जो ऋचा है उस ऋचा का लिंग प्रमाण से इंद्रोपस्थानार्थत्व नहीं होता है, अर्थात इंद्रोपस्थान का अंग वह ऋचा नहीं बनती है लिंग प्रमाण से। किंतु ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, इस वाक्य के द्वारा द्वितीय श्रुति के द्वारा इस विधि वाक्य से यह इस विधि वाक्य में जो द्वितीय श्रुति है उसके कारण गार्हपत्यम इति द्वितीय श्रुत्या, गार्हपत्यम यह द्वितीय श्रुति होने से गार्हपत्योपस्थानार्थत्वम, गार्हपत्य अग्नि के उपस्थान का यह ऋचा अर्थात यह मंत्र अंग बनता है, यह बात द्वितीय श्रुति से सिद्ध हुई। इसलिए श्रुति प्रमाण आगे आने वाले लिंग आदि समस्त प्रमाणों की अपेक्षा प्रबल है। यह विषय आज यहाँ पूर्ण हुआ, श्रुति प्रमाण पूर्ण हुआ। इसके पश्चात लिंग प्रमाण का वर्णन है, जिसका लक्षण और उदाहरण एवं लिंग प्रमाण का आगे वाक्यादि से क्या प्राबल्य है वो हम लोग कल देखेंगे। आज यही विराम करते हैं। सभी को नमस्कार व धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।